यह है, मैं खुद इस मामले में शुरू से कहता आया हूं, कांग्रेस पार्टी कहती आई है, आधार कार्ड हर चीज के लिए तो आधार कार्ड मांगा जा रहा है, कि आधार कार्ड में सारी जानकारी उपलब्ध नहीं रहती है। तो ये भाजपा जो है और विशेषकर मोदी और अमित शाह, ये पूरे देश का डाटा चोरी कर रहे हैं एक, और दूसरा पेगासस के माध्यम से जितने विरोधी हैं उनके फोन टैप करते हैं, हमारा भी फोन टैप होता है, तो जो बात उनको सुनानी होती है उनको मैं बोल देता हूँ फोन पे, बात करते करते आप में से किसी को दिव्या जी पहुंच जाती है। दिव्या जी बात सुनिए, सुनिए बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो भी संगठन दूसरे धर्मों के प्रति नफरत फैलाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ये हमारा स्टैंड है। दो बातें हैं, अतीक अहमद वहां का माफिया डॉन था और उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड था उसका, उसके बेटे ने खुलेआम उमेश पाल का मर्डर किया, मर्डर करने पे इनकाउंटर हुआ तो वे सही इनकाउंटर हुआ, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो बंदी बनाया हुआ है पुलिस कस्टडी में है उस पर दो तीन प्रश्न उठते हैं, क्या जरूरत थी कि 10 बजे जाके जांच कराई जाए रात को, एक दूसरी यह है कि उसका जब अस्पताल में पोर्च तक जाने की व्यवस्था है तो बाहर को गाड़ी रोकी, तीसरा अहमदाबाद से लाने तक सारी मीडिया और पुलिस ने अतीक साहब कहां वो अतीक अहमद कहां वो तक आप दिखा रहे हैं, और तब जब मौका आया तो दन 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 गोली में मार दी गई, तो ये और वो शुरू से कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मेरी हत्या कर देगी पुलिस, यहाँ की यूपी की पुलिस। मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है बड़े बड़े घोटाले हुए, डंपर कांड, व्यापम कांड, फूड सिक्योरिटी कांड, अनेक कांड हुए हैं, उसमें ये कांड भी है, सारे कांडों की जांच की जाएगी, और सबसे बड़ा कांड आईएसआई को जासूसी करते हुए वो कांड, सारे केसेस जो समाप्त किए गए हैं उनको सबको खोला जाएगा, उनकी जांच करवाई जाएगी।